मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय सह मॉडल स्कूल बेड़ों में के दो बच्चों का चयन हुआ है, जिनका नाम विकास कुमार और गोपी कुमार है। इन बच्चों को हैदराबाद के ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी भ्रमण के दौरान दी जाएगी। इससे आसपास के स्कूलों के बच्चों में काफ़ी उत्साह है। साथ ही इस स्कूल के बच्चों की अगर बात करें तो वो काफ़ी उत्साहित हैं और अगला बार उनका चयन कैसे हो इस पर मंथन कर रहे हैं। मॉडल स्कूल बेड़ों में आया हुआ हूँ। यहाँ से मुख्यमंत्री शैक्षणिक किया गया है और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है झारखंड सरकार की, जो साल में एक बार शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत बच्चों का चयन होता है और उन्हें भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। जानते हैं उन बच्चों से और उनके गार्जियनों से। ये साल भर में एक बार शैक्षणिक भ्रमण के लिए निकलता है सरकार के माध्यम से। इसमें मॉडल स्कूल बेड़ों से आप दोनों का चयन किया गया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं कि सरकार गरीब बच्चों को ध्यान दे रही है, दूसरे राज्य में घूमने के लिए भेजा जा रहा है, चार मीनार देखने के लिए। आपको कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। गोपी जी, आपका भी चयन किया गया है, आप इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? हाँ सर, हम लोग को भेज रहे, अच्छा बात है। अच्छा बात है, हम लोग गोलकुंडा देखेंगे, वहाँ घूमेंगे। अच्छा चलिए ठीक। हाँ, ये बहुत अच्छा योजना है सरकार की। सरकार इन गरीब बच्चों पर ध्यान दे रही है, जो इनके लिए जिस जगह पे अभी इस उम्र में जाना इन लोग के लिए काल्पनिक था, वो अब हकीकत में बदला है सरकार के द्वारा। इन लोग वहाँ जाएंगे, दूसरे बच्चों से मिलेंगे, वहाँ सीखेंगे, वहाँ की संस्कृति को देखेंगे, वहाँ के सोसाइटी को देखेंगे और भविष्य में हो सकता है कि इन लोग कल को बड़े अफसर बने तो उस तरह से पेशा। तो सरकार की इन योजनाओं से आप बेड़ो एक छोटा सा जगह है और इतने बड़े झारखंड राज्य में बेड़ो के मॉडल स्कूल से बच्चों को चुना गया है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मॉडल स्कूल न केवल ये भ्रमण के लिए ही, विगत वर्षों से मैट्रिक में रिजल्ट टॉप किया गया है इन्होंने और ये विद्यालय हमारे उनहार विद्यार्थी है, ये विकास और ये गोपी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। न केवल ये पढ़ाई लिखाई के मामले में, खेल कूद के मामले में भी अव्वल है ये बच्चे और इस वजह से हम लोग को अवार्ड भी मिला है सर, मॉडल स्कूल का अवार्ड। ये मॉडल विद्यालय से बच्चों का चयन हुआ है शैक्षणिक भ्रमण के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जो मॉडल स्कूल से बच्चे जा रहे हैं और विकास गोपी जा रहे हैं, बहुत अच्छी लग रहा है, हम लोग अच्छे लग रहे हैं। और ये बोलना चाह रहा हूँ, विकास यहाँ पर चयन नहीं, हर जगह चयन होता है, जैसे तेगांडो में डिस्ट्रिक्ट स्टेट में खेल में भी सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल्स भी ला चुका है ये, और स्कूल का अपना मॉडल स्कूल नाम पहले से भी रोशन करते आ रहा, जैसे गोपी विकास ये दोनों नाम रोशन पहले से ही करते आ रहा। तो इनका चयन हुआ है इसलिए आप खुश हैं? खुश हैं। चलिए ठीक, सर आप बोलिए कुछ। सर मेरा क्या, हम इन लोग को शुभकामना देना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से घूम के आओ। चलिए ठीक। इन विद्यालयों का पूरे जिलों का बच्चों का जो चयन किया जाता है, जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनका मेडिकल लिया जाता है सरकारी अस्पतालों में जाके, और जो बच्चे इसमें सिलेक्ट होते हैं, जिन बच्चों का चयन की पद्धति क्या है? चयन की पद्धति सर, इनका नाम भेजा जाता है, वहाँ पे नामों के द्वारा इनका सिलेक्शन होता है, जो इस आयु वर्ग में आते हैं भ्रमण करने के लिए, और फिर इनके बाद इनकी जो होती है मेडिकल जाँच होती है, जिसमें स्टेप बाई स्टेप